ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ चलो छोड़ो ये ना सोचो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है इसको भाई, और ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये क्या गाना चल रहा है। तो आज पता क्या है, आज 1 अप्रैल है भाई, और अप्रैल वाले दिन, 1 अप्रैल वाले दिन मेरे फ़ोन ने मेरा अप्रैल फुल बना दिया आज सुबह सुबह से ही। तो क्या हुआ ऐसा बताती हूँ आपको। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ ये। मेरा मतलब है कि जैसे हमेशा मैं सुबह, मतलब जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो उसी की तरह मैंने नॉर्मली व्लॉग स्टार्ट किया, पर आज यहाँ पे सिर्फ वीडियो वीडियो है, ऑडियो नहीं आई इसमें। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। और बाकी जो दिन में व्लॉग बनाए ना उसमें ऑडियो है, लेकिन इसमें नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या 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 रीज़न होगा इसका। तो सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे बोल रही थी वो यही बोल देती हूँ। सबसे पहले तो आपका वेलकम किया मैंने, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सभी को कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन आज मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा बीमार हो गया भाई, पता नहीं इसको क्या दिक्कत हुई। तो आज बनाने वाली हूँ मैं राजमा चावल। तो राजमा जो है ना भिगोए नहीं थे रात को, क्योंकि मैं सुबह सोची थी कुछ सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन फिर नैना ने बोला कि मम्मा दाल चावल ले जाने स्कूल को भी। पता क्या है, हमेशा देखती हूँ ना या तो पराठा या दाल चावल, बस यही जो है ये लंच अच्छे से खाती है। तो मैंने सोचा चलिए दाल ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे का पेट भरा हुआ रहेगा ना तो अच्छा है, खाली पेट रहने से अच्छा है कि कुछ तो खाएं। और यहाँ पे कुकर में लगा दिया है मैंने तलिया। तो चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना मैं, तो कुकर मतलब बर्तन में तलिया लगाना ज़रूरी होता है, तब इससे ना काले नहीं होते बर्तन, जलते नहीं है जल्दी, और बाद में जब हमें साफ़ करने होते हैं ना तो अच्छे से इजीली साफ़ हो जाते हैं। और सूर्य देवता जो है ना अभी निकले नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी वहाँ पर रोशनी होनी शुरू हो गई है जहाँ पर, जहाँ से हमारे सूर्य देवता दर्शन देते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं किचन के अंदर। और आग जो है ना हमारी अच्छी से जली हुई थी, ये देखिए आग जले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ लगाया नहीं था इसके ऊपर, क्योंकि नैना जो है वो मेरे साथ है, सुबह से ही उठ गई थी और उसको लग रही थी ठंड। उसके बाद सार्थक भी उठ रहा था तो उसको सुलाने के लिए मैं दोबारा चली गई थी कमरे में, और उतनी देर में यहाँ पे बैठी थी आग सेकने के लिए। एक बार बुझ भी गई थी, फिर दोबारा जलाई मैंने यहाँ पे ये। तो अभी कुकर जो है उसको मैं लगा दूँगी चूल्हे पर, और मैंने सोचा है कि अच्छे से उबल जाए, क्योंकि ये जो पहाड़ी होते हैं ना हमारे घर की बालड़ी होती है राजमा, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है उबलते हुए। तो बच्चों के स्कूल के टाइम को पता नहीं तैयार होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुकर में पानी, तो पानी मतलब लग ही जाएगा, 2 लीटर पानी तो कम से कम लग ही जाएगा, 2-2.5 लीटर, क्योंकि राजमा जो है वो भी थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं हमारे, आपको पता ही है कि परिवार जो है बड़ा है। और साथ में परिधि जो है मेरी बहन जी ये भी उठी हुई है, और यहाँ पे ये चूल्हे में पूरा इसने काम किया हुआ है आँच लगाने का अच्छे से, कि मामी की हेल्प कर दूँ मैं यहाँ पे। और बस सुबह सुबह से बच्चों का क्या होता है ना कि उठ के चूल्हे के पास बैठते हैं, अरे इनका ना टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सुबह से उठ के चूल्हे के पास बैठना इनको मिलता है, हमें नहीं मिलता था ये बैठना। हम तो जैसे ही सो के उठते थे ना वैसे ही हमें बोलते थे मुँह धो, और फटाफट से हम मतलब काम में लग जाते थे, कोई झाड़ू लगा रहा है। और मेरी तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती थी जब मैं छोटी थी, मतलब इतनी छोटी में तो नहीं थी ना, लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई थी जब, मतलब 2nd 3rd में हो गई थी, तो पशु चुगाने का मतलब गाय चुगाने की ड्यूटी थी मेरी। तो स्कूल जाने से पहले भी गाय चुगाओ और स्कूल से वापस आने के बाद भी, फिर भैंसे, हमारे 2 भैंसे ऐसी होती थी ना मायके में जो मतलब चुगने के लिए खोलते थे ना हम उनको बाहर घूमने के लिए, तो फटाफट से दूध दे देती थी। और अगर जिस दिन नहीं खुलती थी उस दिन बस उन्होंने मतलब दूध ही नहीं देना टाइम से, और बहुत ज़्यादा भाड़ा वगैरह लेती थी। फिर उनको ना कुछ ऐसी आदत थी कि घूमने जाएंगे तो अच्छे से दे देंगे मतलब। तो यहाँ पे मैंने ना राजमा डाल दी अच्छे से धो के, और साथ में हल्दी डाली है, नमक डाला है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, और 2-3 लौंग भी डाले हैं इसमें, तो आपको पता ही है। लेकिन मैं ना थोड़ा नज़दीक से नहीं दिखा रही हूँ इसको, और मैं हमेशा डालती हूँ राजमा ना थोड़े वायु ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इसमें ना लौंग वगैरह अगर डल जाए ना उबलने में तो ठीक रहता है। और यहाँ पे नमक डालूँगी मैं, क्योंकि नमक से ना अच्छे से उबलते हैं फिर। तो नमक नमक डाल के और इसका ढक्कन कर दूँगी बंद, तो कम से कम 6-7 सीटियाँ लगेंगी इसको पकते हुए, तब जाके ये पकेंगे कहीं राजमा।
तो राजमा उबलने को लगाए हैं, साथ ही साथ मैं यहाँ पे आटा गूंदने लग गई हूँ। तो थोड़ा सा ना शाम का भी बचा हुआ था आटा यहाँ पे डब्बे में रखा हुआ था मैंने बंद करके फ्रिज में। आजकल बाहर रखो ना आटे को तो आटा जो है ना वो ख़राब हो जाता है थोड़े से ना, उसके मतलब खट्टे हो जाते हैं जो चपातियाँ होती है ना, तो फ्रिज में रख के सख्त हो गया था काफ़ी ज़्यादा ये। तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही गूंद लूँगी और इसको भी रख दूँगी साइड में, और बाकी ताज़ा आटा जो है वो भी मुझे गूंदना है। और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, यहाँ साथ तक जो है बहुत शोर मचा रहा है तो आप इसको ना इग्नोर कीजिएगा। और चूल्हे में आग बहुत अच्छी जली हुई है और साथ साथ मेरा यहाँ पे ये काम भी हो रहा है। तो अभी साथ तक जो है वो सोया हुआ था, सुबह के टाइम का व्लॉग है ये, तो वो सोया हुआ था लेकिन बाकी सब बच्चे जो है वो उठ चुके थे। तो आटा गूंद के रख दिया, अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक कि मैं यहाँ पे लगी थी प्याज काटने, तो तड़के के लिए ना प्याज भी काट के रख देती हूँ। और बस जितने में राजमा उबलेंगे ना उतने में ये सारे काम हो जाएंगे। और फिर मैं ना प्याज काटने के बाद थोड़ी चपातियाँ भी लगा लूँगी, क्योंकि राजमा उबलते थोड़ा टाइम लग जाएगा और फिर बच्चों को हो जाएगी लेट। तो इतनी देर में मैं ऐसे ही बेली बैठ के क्या करूँगी, उतनी देर में मैं चपातियाँ लगा दूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी चपातियाँ लगा दी थी, अभी तवा जो है उसको मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पे लग गई हूँ मैं अभी जो दाल है ना उसका तड़का लगाने के लिए, मतलब राजमा जो है उसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे तीला लगा लिया मैंने और राजमा देखने लगी थी मैं, लेकिन अभी ना अच्छे से उबले नहीं हैं राजमा, अच्छे से पके नहीं हैं, टाइम लग जाता है भाई इसमें भी थोड़ा अगर भिगोए हुए ना हों तो तब भी मैं यहाँ पर ना तड़का लगा के रख दूँगी। पतीले में तड़का लगा के इसको पीछे रख दूँगी और फिर राजमा जो है कुकर आगे लगा दूँगी उबलने को, तो उतने में उबल जाएंगे। और बस बाकी चावल बनाऊँगी मैं साथ में, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल को चावल ले जाने हैं। तो बस सुबह सुबह से इस तरह से होता है काम, क्योंकि जल्दी से सारा कुछ निपटाना होता है तो दो तीन काम एक साथ लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे तड़के की तैयारी देखिए, सबसे पहले मैंने आज जीरा नहीं डाला है भाई, जीरा जो है मेरे ख़त्म हुआ हुआ है, तो मेथी डाली और उसके बाद डाले प्याज। प्याज डाल के इसको भूनेंगे हम अच्छे से। और जैसे ही प्याज भून गए वैसे ही यहाँ पे मैंने धनिया मिर्ची और हल्दी, बस जो जनरल से मसाले होते हैं वही दोनों तीनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी बस लगभग 5 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए। थोड़ी सी सौंफ डाली है मैंने इसमें आज, तो सौंफ का भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़के में। और बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा भूनूँगी और भूनने के बाद जो राजमा है वो भी मैं इसमें डाल ही देती हूँ, बस बाद में एक साथ ही उबलते रहेंगे फिर ये। देखिए जी यहाँ पे हमारे राजमा और चावल और साथ में है दही, देखिए। और अब ये हमारे साथ लंच कर लीजिए। और थोड़े से हम लेंगे प्याज सैलेड में, ये देखिए। तो चलिए करते हैं खाना शुरू। हाँ जी गुड इवनिंग। तो सुबह ना मैंने थोड़ा सा व्लॉग कैप्चर किया, उसके बाद कुछ भी कैप्चर। देखो मेरी गद्दी, मम्मा गद्दी, हेलो। क्या क्या टको, इसको टको क्या, आपको टको, ये देखो। आप तो ऊपर भैया के पास नहीं खेल रहे थे, आप तो भैया के पास नहीं खेल रहे थे। किचको इचको, ये तू लाई गद्दी, कहाँ गद्दी चलानी है, हे भगवान। शक्ल देख गंदा है ये, तब क्या करना। इसको हम बाबू बनाएंगे, अभी गंदा है अगर ये। तो मैं जा रही थी यहाँ पे ना सब्जी देखने के लिए, अभी क्या बनाए आज। ये देखो अब ड्राइवर की गाड़ी चलेगी। ये देखो इतना तेज दौड़ता है ना इसको लेके भाई जा तक। तो मैं सोची थी क्या बनाऊँ, कल हमने दाल बनाई थी, सुबह राजमा बनाए थे,
और ना रोज़ सोचते रहते क्या खाएं क्या खाएं। और इस बारी ना हमने फेगड़े भी नहीं खाए, फेगड़े अंजीर। और गाय जो है ना अंदर ही, आज बाहर बांधी नहीं, थोड़ा दरवाज़ा तो खोल देती हूँ, इनको हवा सी चली जाएगी अंदर ही थोड़ी। गर्म हो गया है ओबरा, अब ना पूरी गर्मी हो गई है, पूरी की पूरी गर्मी होगी। इधर भी खोल देती हूँ ओबरा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये सब सोए हुए हैं अंदर भी, अंदर ही डाल दिया था आज इनको घास। मैं आ रही हूँ यहाँ पे सब्जी देखने के लिए। भाई वाह, मुझे तो मिल गई जो मुझे चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी है ये तो। कि ये देखिए, ये है कचनार, ये देखो ये कचनार का पेड़। अभी इसमें थोड़ी सी लगी हुई, एक ही टहनी में लगी, दूसरी में लगी हुई है, दूसरी में भी थोड़ी थोड़ी, इतनी सी कहाँ होनी पर हमारे को। और इस बार इसमें पत्ते सूख गए पता नहीं क्यों। अभी रहने दूँ क्योंकि ना मटर नहीं है, मटर होते तो उसके साथ ही काफ़ी हो जानी थी। कचनार कैंसल। ओ, मुझे तो भूल गया। ओहो, साथ तक शोर हो रहा बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो भूल गया कि आज हमारे ना आलू ख़त्म हुए हुए थे, तो आज ही पतिदेव ने आलू का कट्टा लाया हुआ है, पूरा बोरी लाई हुई है। तो भाई आज आलू बना देते हैं। आलू आलू है भाई, दो तीन आलू करूँगी। तो यहाँ से ले लेती हूँ मैं आलू, ये देखिए तीन चार आलू हो जाएंगे। कुछ ना राजमा भी बचे हुए हैं, हाँ कुछ ना राजमा बचे हुए, जो सुबह के राजमा थे ना कुछ वो भी हैं। और हाँ जी क्या मम्मा, हाँ हाँ कुछ सूखी सब्जी हो जाएगी ना। और मैं यहाँ से ले लेती हूँ कुछ हरी हरी पत्तियाँ। सिंपल प्लेन आलू क्या बनाना, उसके लिए ना मैंने सोचा कि कुछ हरी पत्तियाँ जो है ना वो भी लेके आती हूँ, क्योंकि आलू ही आलू ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे। और आजकल ना साग वगैरह भी सूख गया है अब तो लहसुन की पत्तियाँ जो है वही हरी हैं। तो यहाँ पे देखिए लहसुन की पत्तियाँ मैंने ले ली, और अभी यहाँ पर आलू जो है वो भी धो दिए थे। और सबसे पहले आलू को छील लूँगी, और उसके बाद जो लहसुन की पत्तियाँ हैं इनको भी बारीक बारीक काट लूँगी। और साथ में लिया हुआ है मैंने यहाँ पर प्याज, तो प्याज को भी मैं काट लूँगी। तीनों खाओ बेटे मिलके। तो सारी चीज़ें धो के काट के रख ली, और यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, और अभी डाल दिया यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे लग रहा है तड़का, और प्याज को मैं भूनने दूंगी थोड़े से लाइट ब्राउन से हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन ना भी हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया, साथ में डाल दूँगी मैं इसमें मिर्ची, जो भी डालते हैं ना धनिया मिर्ची और हल्दी, बस यही होते हैं कॉमन से मसाले। तो और बस इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और उसके बाद जो सब्जियाँ काट के रखी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। लास्ट में डाला स्वाद का राजा नमक, तो नमक के बिना तो सारे मसाले अधूरे हैं। तो अंधेरा होने वाला है और मैं जा रही हूँ अभी गौशेड में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जितने में मेरी सब्जी बनेगी उतने में मैं यहाँ पर गौशेड का काम कर लूँगी, और इसके बाद ना जो कुछ भी मैं कैप्चर करूँगी थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ कल के नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग का एंड हो रहा है यहीं पर। तो आप भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। वैसे तो ना पुराने टाइम में
हैं जो प्याज होते थे ना, प्याज की पत्तियाँ और आलू मिला के बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती थी। और प्याज की पत्तियों की सब्ज़ी दाल के साथ भी बनती थी, जैसे चने की दाल, मसर की दाल होती थी उसके साथ, बहुत अच्छी लगती थी। तो बहुत दिन हो गए थे आलू की सब्ज़ी खाए हुए, तो आज आलू बनाए हैं। और चलिए मिलूँगी आपसे कल एक और नई सुबह, एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय, जय सियाराम, जय माता दी।